बिरयानी की कहानी क्या है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। और हमारे इस बिरयानी की खोज के सफर में हमारे हम सफर बने दावत बासमती राइस। हैदराबाद अगर बिरयानी की कोई कैपिटल होनी चाहिए पूरी दुनिया में तो वो होनी चाहिए हैदराबाद, क्योंकि यहाँ पर घर घर में, बाजार में, दुकान में, फेस्टिवल में, सब जगह अगर कुछ लोग सोचते हैं सोते हुए जागते हुए तो वो है बिरयानी। अगर हैदराबाद की बिरयानी के बारे में हमने नहीं जाना, नहीं खाया, नहीं चखा तो फिर ज़िंदगी अधूरी है। अब सब कुछ तो सब जगह के बारे में मैं जान नहीं सकता, एक्सपर्ट से मिलना ज़रूरी होता है हमेशा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ सब्यसाची से। सब्या ने मुझे बताया कि आसिफ जहाँ के खानसा में कुछ 50 किस्म की बिरयानी बनाना जानते हैं। हैदराबादी बिरयानी में अवधी की जीन की तरह मीठापन नहीं होता, लेकिन इस बिरयानी में खट्टापन जरूर होता है। हाँ, और आंध्र का इन्फ्लुएंस भी, स्पाइसी एज, थोड़ा तीखा। You know, he brought his khanzamas and kabdas, who slowly started imbibing the local masalas. Two things, one is chilies, one is masala, the khattapan. कुछ हिस्ट्री, कुछ ट्रेडिशंस की बात जानने के बाद मैं हैदराबाद के स्पाइस मार्केट की ओर चल पड़ा, जहां से इस बिरयानी के फ्लेवर्स यानी स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का सही ढंग से पता चल पाए। बिकॉज हैदराबादी बिरयानी essentially combines Mughal spices with spices of South India. What makes a biryani distinct is one method of preparation, but more importantly, the spices, the kind of spices that are used, the proportion that is used, when it is used, how it is used, quality that is used. And once that is established over a period of time, and that period of time could be 10 years, 20 years, 100 years, 500 years at time, and that's what makes it distinct. बिरयानी की हिस्ट्री के बारे में जान लिया, मसालों की जानकारी ले ली, अब नवाबों के इस शहर में मैं नवाबों से ही हैदराबादी बिरयानी के बारे में जानना चाहता था। हम बिरयानी की टॉप मोस्ट अथॉरिटी यानी कि नवाब महबूब आलम खान साहब के यहाँ जा रहे हैं इन माई क्वेस्ट टू नो मोर अबाउट द ट्रेडिशनल हैदराबादी बिरयानी। जो बिरयानी पे वापस हम चले तो बिरयानी के जो है ना शेफ, देखो तीन चार लवाजी बात है। नंबर एक, गोश्त, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नंबर दो, चावल। नंबर तीन, इलायची। बगैर अच्छी इलायची के बिरयानी नहीं बनती। नंबर चार, घी। थोड़ा तो आपको फ्लेवर देना ही पड़ेगा, और अगर कोई परहेज करता है घी से तो उसका इलाज कम नहीं। बिरयानी मत खाओ। सिर्फ हैदराबादी ही नहीं बल्कि कई बिरयानियों के बारे में पता चल गया। सुफियानी और जाफरानी बिरयानी में भी फर्क होता है। सुफियानी बिरयानी सफेद रंग की, कोई केसर नहीं, लाल मिर्च नहीं, सफेद रंग में, क्योंकि दूध और आमंड पेस्ट भी पड़ जाता है उसके अंदर और निकली ये निजाम्स के किचन में से। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा यूरोपियन टच भी है, जबकि जाफरानी बिरयानी में सेंट्रल एशिया के फ्लेवर्स हैं, जिसमें ज़ाफ़रान भी है, लाल मिर्च भी है। भाई ना सिर्फ हमें नवाब साहब ने बिरयानी के बारे में बताया बल्कि खिला खिला कर ये बताया कि ट्रेडिशनल बिरयानी होती है तो सिर्फ हैदराबादी बिरयानी होती है। हैदराबाद आए हैं, बिरयानी के बारे में जानना चाहते हैं तो सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर बिरयानी बहुत पसंद की जाती है। भाई देखिए, शादाब रेस्टोरेंट की बात नहीं करेंगे साउथ हैदराबाद में तो बात नहीं बनेगी। What is Hyderabadi biryani? It's a typically method of preparing, and the utensils in which it is prepared, we use the copper, which is made of copper. The method of preparing and using the ingredients in which method, it's a major impact on that. वहाँ पर शोएब ने मुझे बताया कि उनके यहाँ हैदराबादी बिरयानी कैसी बनती है, कुकिंग स्टाइल क्या है, मटन और चावल की रेशो क्या है, कितने साइज में बनती है, कितने किलो की बनती है और बहुत कुछ।
कहते हैं कि अगर हैदराबाद आए और पैराडाइज की बिरयानी नहीं खाई तो हैदराबाद आना बेकार है. पैराडाइज इज सिनोनिमस विद बिरयानी एंड पैराडाइज स्टार्टेड. Wow, look at that, a nice hot steaming bowl of biryani. What do you think makes a Hyderabadi biryani Hyderabadi? The way it is cooked, is kachi gosht ki biryani. Right. Where, you know, the ingredients, the process itself is so different, you know. Is it recent phenomenon or maybe something that you started and it's a... No. This has been, this is, as you know, a city of Nawabs and there's so much history to it and this has been part and parcel of the, Hyderabadi culture. Here is the raw mutton which is marinated in spices and then the process itself is a little different where layers of rice over the raw marinated stuff makes it unique and right. Part and parcel of the Hyderabadi culture. I'm in awe. Bhai, 60 saalon se zyada same quality, taste, flavor. Yahi to banati hai paradise ki biryani ko special Hyderabadi biryani. Bhai, wow. Simply amazing. Bhai, dhalti shaam ka maza lete hue अगर हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी का जब सफ़र आगाज़ हुआ चार मीनार से तो इसका अंजाम भी सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो शाही हो. तो ताज फलकनुमा पैलेस चलेंगे? बिल्कुल, एकदम शाही अंदाज में ट्रेडिशनल ऑथेंटिक बिरयानी, मज़ा ज़रूर लेना चाहेंगे. सस्ती बिरयानी हो या महंगी बिरयानी हो, सड़क पे बिरयानी हो या फाइव स्टार होटल के लग्जरी रेस्टोरेंट में बिरयानी हो, हैदराबाद में बिरयानी का मतलब है कि उसमें मटन, उसमें बढ़िया चावल, उसमें मसाले, मसालों में शाही जीरा, उसके साथ साथ इलायची, उसके साथ साथ लौंग और दालचीनी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं. हाँ, लाल मिर्च भी चाहिए, हरी मिर्च भी चाहिए, अदरक लहसुन भी चाहिए, थोड़ी दही भी चाहिए और कभी केसर कभी नहीं. ये सब चीज़ें तो हैं ही ज़रूरी, लेकिन बनाने का तरीका. हैदराबादी बिरयानी में मटन मैरिनेट किया हुआ कच्चा, चावल पके हुए, दोनों दम पे लगा के जब पकाए जाते हैं धीमी आंच पे, तब जाके बनती है दम वाली हैदराबादी बिरयानी. अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो इसका मतलब है वो नहीं कहला सकती हैदराबादी बिरयानी. जान गए अब.